नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी। एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके लिए वेदर अपडेट्स लेके। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर पूरा दिन कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेम्परेचर की, तो इस वक्त का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि अगर तस्वीरों की बात करें तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि धूप निकली हुई है और हवा तेज चल रही है। हवा में अगर नमी के स्तर का बात करें तो हवा में नमी 50 से 70% तक दर्ज की गई है। अगर रफ्तार की बात करें तो 20 से 25 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से हवा दर्ज की गई है। हवा के रुख में आए बदलाव के बाद दिल्ली की सर्दी में ही गर्मी का रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। गुरुवार को दिल्ली के अधिकतम तापमान ने 8 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिन में लोगों को न केवल गर्म कपड़े उतारने पड़ गए बल्कि धूप में तो उन्हें पसीना तक आ गया। हवा के रुख में बदलाव के चलते व मौसम साफ रहने के कारण दिल्ली के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हालांकि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण अभी सुबह और शाम के समय तो ठंडक बरकरार रहेगी। आने वाले दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी गिरावट आ सकती है, लेकिन ठिठुरन वाली सर्दी पड़ने के अब आसार नहीं है। गुरुवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस सीजन का ही नहीं बल्कि बीते 8 वर्षों के दौरान 13 फरवरी का सबसे अधिक तापमान है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हवा में नमी का स्तर 50 से 85% रहा। इस क्षेत्र में तो अधिकतम 28.2 एवं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को आसमान साफ रहेगा, तेज गर्म हवा चलेगी, अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 26 और 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र दिल्ली के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि हवा के रुख में आए बदलाव और मौसम साफ रहने के कारण तेजी से तापमान बढ़ा है। वहीं पहाड़ी इलाकों में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिंदू कुश, पीर, पंजाल और मध्य हिमालय क्षेत्र में भारी बर्फबारी हो सकती है। यानी पहाड़ों पर जिनमें हिमाचल और जम्मू कश्मीर मुख्य है, यहाँ बर्फबारी होगी। मौसम विभाग ने बताया कि बर्फबारी की वजह से उत्तरी मैदानी इलाकों में एक बार फिर ठंड बढ़ने की संभावना है। उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बादल छाने के साथ ही एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। बादल छाए रहने के साथ ही तापमान में भी हल्की गिरावट आई है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। कश्मीर के गुलमर्ग, पहलगाम आदि क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। इसी के साथ अगर पॉल्यूशन लेवल की बात करें तो पॉल्यूशन लेवल दिल्ली में काफ़ी कम हो रहा है क्योंकि हवा तेज चल रही है। और हमने आपको पहले भी बताया है, कई बार बताया है कि जब हवा तेज चलती है तो पॉल्यूशन लेवल में कमी आती है। अभी ITO पे जो पॉल्यूशन लेवल दर्ज किया गया है, QI लेवल दर्ज किया गया है, वो 190 जो कि मॉडरेट है, नॉर्मल है। वहीं अगर ITO की बात करें तो ITO पे 109 दर्ज किया गया है, ये भी नॉर्मल है। तो देखा जाए तो एक तरीके से दिल्ली वालों के लिए हवा चलना कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि पॉल्यूशन लेवल में कमी आ रही है। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि 18 तारीख के बाद से हवा कम हो जाएगी, जो दिल्ली में गर्मी में सर्दी का एहसास हो रहा है वो एहसास होना बंद हो जाएगा और हो सकता है मौसम सामान्य हो जाए। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी।